अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सिंगरौली में भी योग दिवस के कार्यक्रम हुए, जिसमें टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन के अधिकारी सहित सभी वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन के अधिकारी एके शर्मा ने नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को बुके देकर सम्मानित किया। सिंगरौली में योग दिवस का कार्यक्रम चाचा नेहरू पार्क में हुआ। टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन के अधिकारी एके शर्मा ने नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप लोगों की वजह से ही आज देश के प्रधानमंत्री मोदी का सपना साकार हो रहा है। आज भारत के साथ विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के इस कार्यक्रम में दीपा सिंह, विजय यादव सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। यहाँ का माहौल देख के लगता है कि आगे से हमको भी कुछ विचार करना पड़ेगा कि प्रतिदिन मैं भी इसमें आके शामिल हूँ। आप लोगों का ने बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है और इतने अच्छे माहौल में योगा कर रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे जो उपस्थित ज़्यादातर लोग तो मेरी जान पहचान के ही हैं सब लोग, और सब लोग महिला पुरुष सब समान रूप से सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल मुझे देख के लग रहा है, और योगा के साथ साथ जो हमारे रांगड़ जी हैं वो जो लाफ्टर थेरेपी करा रहे हैं और बहुत सहज भाव से करा रहे हैं, जो हंसना नहीं होगा वो भी हंस देगा। तो ये सब आपको योगा और लाफ्टर थेरेपी आजकल बिना दवा खाए आप अपने आप को कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। आज इसको देखते हुए देखिए हिंदुस्तान से प्रारंभ होकर आज तक पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज तुम्हारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका से योग करेंगे है, तो देखिए पूरा दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और इसको हम लोग अपने सभी लोगों को प्रेरित करें कि सब लोग अपना शामिल होकर अधिक से अधिक इस तरह की चीज़ों का अपना लाभ उठाएं, स्वास्थ्य लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। योग हमारे लिए नया नहीं है, इंडिया के लिए, लेकिन अब पूरा ग्लोबली सब लोग मना रहे हैं योगा डे, बिकॉज ऑफ हमारे मोदी जी की वजह से हम लोग सब लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हैं डेली योगा। अब तो हम लोग कंटिन्यूसली करते हैं योगा, और लोग भी देख के एक दूसरे को देख के एंजॉय कर रहे हैं और कर भी रहे हैं योगा, क्योंकि ये मेंटली फिजिकली दोनों फिट रखने के लिए एक बहुत अच्छा मतलब रिसोर्सेज है। इसके लिए आपको कोई मशीन और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, छोटे से जगह में आप योगा कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इस पार्क में जितनी जीवंतता है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही कम है, और यहाँ फिजिकल योगा पहले से चल रहा था और धीरे धीरे लाफ्टर आने के बाद और भी सुंदर पैकेज हो गया। अभी जो इस पार्क में चलता है योगा, लाफ्टर, मेडिटेशन, जहाँ तक मेरा एक्सपोजर है, और विदाउट कॉस्ट चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। ये अभी कोई मित्र जो मेरे वीडियो देख रहे थे वो कह रहे थे मैं योगा ऑनलाइन 10,000 का कोर्स कर रहा हूँ। इस शहर में, इस शहर की ऊर्जा है जो यहाँ पर ये घटित हो रहा है, और मैं चाहूँगा योगा दिवस के अवसर पर लोगों को कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और दैव योग से जो घटना यहाँ पर चल रही है उसका लाभ लें। हंसने से आपके शरीर के स्ट्रेस ख़त्म होते हैं, हंसने से आपका बीपी ठीक रहता है, हंसने से आपका मूड चेंज होता है, हंसने से आपके अंगों के इंटरनल मसाज होती है, और जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, योगा के आसन करते हैं, वो आप शरीर को आपके स्वस्थ रखते हैं, शरीर को इस लायक बनाते हैं कि आप मेडिटेशन में जा सकें। तो जो पैकेज यहाँ पे चल रहा है शरीर मन आत्मा, वो द बेस्ट पैकेज है, बॉडी सोल माइंड, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप चाचा नेहरू पार्क वेडन में आए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर योग से जुड़े। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।